जी हम अपने अंडे फेंट लेते हैं। मैंने कहा अपनी फ्रेश फ्रेश धनिया भी थोड़ी ले लूं। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था जब मैंने लगाई थी ये अपनी धनिया फ्रेश। गर्म मौसम भी देख लें, आज क्लियर है, आज ज़रा गर्मी थी तो गंदम हमारी तैयार हो गई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सारे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने कामों में मसरूफ़ होंगे मेरी तरह। तो आज मैं बना रही थी आलू अंडा, तो अंडे आलू की भुजिया, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। मैंने ये अपने आलू धो लिए हैं, इनके कवर उतार दिए थे तो धो लिए हैं, इनको अभी मैं काटूँगी जी। ये मेरी दूसरी चीज़ हो गई, प्याज हो गया दरमियाने साइज़ का, ये दो बड़े टमाटर हो गए, थूम अदरक ग्रीन चिली हो गई जी। हम इसमें डालते हैं ऑयल, हाफ कप से थोड़ा डालेंगे हम, ऑयल डाल दिए, अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल गर्म हो फिर प्याज डालते हैं। आपको प्याज मैंने दिखाया था वो मैंने काट लिया है अभी। जी तो हमारा प्याज थोड़ा हो गया, इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, ज़रा ज़रा करना है। अभी हम लहसुन अदरक डालेंगे, अभी हम अपने आलू काट लेंगे इतने इतने साइज के छोटे। ये छोटे छोटे साइज़ के हम अपने आलू काट लेंगे, क्योंकि अंडे और आलू की भुजिया है तो छोटे छोटे हम काटेंगे। अब हम इसमें अपने टमाटर डाल देंगे, हम अपने मसाले डालते हैं, रेड चिली, गड़ा मिर्च, धनिया और ये गरम मसाला, ये एक एक टीस्पून है सारा, और ये हल्दी 1 टेबलस्पून है और नमक 1 टीस्पून है, ये हम डाल देंगे अभी। और इसके साथ हम अपना डालेंगे मेथी, मेथी की 1 चम्मच भी डाल देंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इनको भून लेते हैं थोड़ा। पानी अब हम डाल देंगे, हमने थोड़े आलू दे लिए हैं, 1 कप 2 कप तकरीबन इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि आलू गल जाएं। ये पानी सारा सुखाना है, सूख जाएगा आलू भी गल जाएंगे। इसकी आंच मीडियम कर दें और इसको ढक दें फिर।
सोचा अपनी फ्रेश फ्रेश धनिया भी थोड़ी ले लूँ। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था जब मैंने लगाई थी ये अपनी धनिया फ्रेश, ये अभी सालन में डालने के लिए। तो मोहम्मद ईसा और मूसा भी आ गए हैं भाई जी, ये देखें मेरी फ्रेश धनिया। गर्म मौसम भी देख लें, आज क्लियर है, आज ज़रा गर्मी थी तो गंदम हमारी तैयार हो गई है, तैयार होने वाली है, अभी तैयार नहीं हुई, थोड़ी सी रहती है, इसकी कटाई होगी फिर जी। हम अपने अंडे फेंट लेते हैं, ये मैंने 3 अंडे लिए हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। इसको हम अभी फेंट लेंगे, इसको हम इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में कर देंगे। तैयार हो गए, ये गल गए, आप देख सकते हो। अभी हम इसमें डालेंगे अपने अंडे, तो ये जो मैंने इधर बनाए थे ये अभी हम इसमें डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं अभी हम, जी मिक्स हो गए हैं, और अभी हम अपनी धनिया भी डाल देते हैं क्योंकि हमारा सालन तैयार हो गया है। 1-2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे हल्की सी आंच पे, बस सालन हमारा तैयार है। आलू बन गया था तो हम अब टेस्ट खाना खाने लगे हैं। मोहम्मद ईसा बैठे हैं आप भी, जी पहले हम मोहम्मद ईसा के मुंह में डालते हैं क्योंकि इसका फेवरेट है अंडा। ये अंडा चले हम टेस्ट करते हैं अभी, मोहम्मद ईसा को नहीं खाना नहीं कर रहे। बड़े मजे का बना है, आप लोग भी जरूर बनाना और ट्राई करना, आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है ना, bye।